हजरत बाबा निजामी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक के मौके पर मसूद ग्रुप भिलाई के मीन जानिब में आम लंगर का अहतमाम फरीद नगर स्थित नूरी मस्जिद परिसर में किया गया। कार्यक्रम की जानकारी आम लंगर के आयोजक रहे मसूद ग्रुप के पदाधिकारियों ने इस प्रकार से दी। ये कमरिया शरीफ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग थे जो बहुत माने हुए पहुँचे हुए शख्सियत थी, हजरत बाबा निजामी हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम था। तो उनके नाम से उनके चाहने वालों ने यहाँ पर ये फरीद नगर में मसूद और भाई और उनके पूरे तमाम ग्रुप के लोगों की जानिब से ये लंगर आम लंगर का अहतमाम किया गया है और उनके नाम से जगह जगह आम लंगर का प्रोग्राम होता है। और चूँकि उनका फैजान हम सब पर जारी है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा और लोगों का काफ़ी सहयोग भी मिलता है और लोगों को फैजान भी उनका हजरत का मिलता है। इस वजह से उनके चाहने वालों ने ये प्रोग्राम रखा। और निज़ाम कमरी रहमतुल्लाह है, उनकी दुआओं का असर है कि उनके चाहने वाले किसी भी धर्म का हो, सब उन्होंने अपने वहाँ भी हमेशा सबको उन्होंने कभी नहीं रखा कि ये कोई छुआछूत वाला है या पंडित है या कोई, सब के लिए बराबर का। और हमेशा उनके चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं, तो ख़ासतौर से भिलाई स्टील प्लांट जब बना उन्होंने भेजा कि तुम लोग जरूर जाइए, तुम ही लोग के लिए खुला ये कारखाना। खासतौर से जीतते जाते उधर हम ही लोग हैं, सातों भाई भिलाई रूबरू देखा हुआ है हम लोग, तो मतलब वहाँ से जबकि बहुत तकलीफ में गुजरे, लेकिन उन्होंने जब देखा हमारी हिम्मत लड़ जाती थी उनसे बाबा निजामी कि लो अपना पकड़ो पोती पत्थर, तो शायद 60 ओवर से अभी करके आए।